लिए रतलाम जंक्शन से। बहुत मजा आने वाला दोस्तों ये तो भी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है राम और मैं हूँ अभी वडोदरा जंक्शन स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन अभी जस्ट 5 मिनट बाद आने वाली है। तो आज हम जर्नी करेंगे 12471 स्वराज एक्सप्रेस में, और ट्रेन अभी 6 पर आएगी ऐसा पता चला है। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, यहाँ पे हमारी 12471 आने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं जनरल की हालत कैसी है अभी, और ये अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो दोस्तों हमारा M2 कोच आ गया है, आज हम 3rd AC इकोनॉमिक पे ट्रैवल करेंगे। फाइनली दोस्तों हमने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है और 5 मिनट में पूरी में पहुंचा था, और लग ही रहा था छूटी जाएगी पर नहीं छूटी है। तो देख सकते हैं दोस्तों बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है अभी, हाई स्पीड रेल का। ये हमारी रोजी रोटी है। मैं बुलेट ट्रेन का बना रहा हूँ, जितनी बार चाय बनेगी उतनी बार धुले होगी। हम तो वीडियो वालों से दुश्मनी करते हैं, उसकी जान नहीं बचाएंगे वीडियो वाले। तो मैं कैमरा चलाएं तो ना जान निकल जाएगी उसकी। मैं बुलेट ट्रेन का बना रहा हूँ, वो नहीं बना उसके अब उसके आगे बनेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अभी गोधरा जंक्शन स्टेशन पर, ऑन टाइम पहुंची हमारी स्वराज एक्सप्रेस, और ये हमारा M1 कोच। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट या 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद हमारी ट्रेन का हॉर्न हो चुका है, तो चलिए बोर्ड करते हैं ट्रेन। तो स्लोली डिपार्ट कर रही है ट्रेन। तो देख सकते हैं दोस्तों Web 7 का गोयल TMT वॉलपेपर का इंजन है हमारा ट्रेन में। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने सेकंड स्टॉप पर जो है दाहोद, हमारी जर्नी का, और ये है ऐसा कुछ दाहोद स्टेशन। प्लेटफॉर्म 3 पर आ गई है हमारी ट्रेन। तो दोस्तों अभी हम आ गए रतलाम स्टेशन पर ऑल टाइम, और 2 मिनट का स्टॉप है हमारा रतलाम पे। तो दोस्तों रतलाम जाना जाता है अपने पोहे के लिए, और यहाँ का पोहा बहुत फेमस आता है। रतलाम जंक्शन से तो चलिए दोस्तों सामने हो गया हमारा सिग्नल, तो अभी हम बोर्ड करते हैं।
क्योंकि एलएचबी कोचेस के कारण हमारी ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ती है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्चर कर रही है रतलाम से। चलो दोस्तों मैं चलता हूँ अपनी सीट पर और थोड़ा रेस्ट करके फिर सुबह मिलते हैं दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों रतलाम निकलने के बाद मैं चलता हूँ आराम करने, तो मिलते हैं सुबह दिल्ली में। दोस्तों अभी हम आ गए हैं नई दिल्ली स्टेशन पर, ऑन टाइम आई है हमारी ट्रेन। और देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली का मौसम एकदम अच्छा है, कोई बारिश नहीं है। दोस्तों अभी दिल्ली के बाद हमारी ट्रेन खड़ी होगी पानीपत स्टेशन पे। तो चलिए दोस्तों ट्रेन को अभी बोर्ड कर लेते हैं, 2 मिनट हो गया है ट्रेन को खड़े हुए। और दोस्तों हमारे सामने लग रही है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से चलती है लखनऊ के बीच में। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन दिल्ली से डिपार्ट कर रही है न्यू दिल्ली से। सामने देख सकते हैं शताब्दी खड़ी है। वाली वंदे भारत हमारी ट्रेन को क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों वंदे भारत को क्रॉस करने के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, फिर वंदे भारत क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन चलेगी। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है।
तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पानीपत स्टेशन पे 7:16 पर और ट्रेन अभी ऑन टाइम चल रही है हमारी। देख सकते हैं पानीपत में थोड़ी बारिश हुई है। तो दोस्तों 7:18 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अम्बाला कैंट स्टेशन पर और हमारी ट्रेन 20 मिनट टाइम बिफोर आई है। देख सकते हैं 8:30 पर आई है और इसका टाइम था 8:47 का। हमने आ गई है देहरादून न्यू दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस अम्बाला कैंट पर और ये खड़ी है हमारी ट्रेन स्वराज एक्सप्रेस। दोस्तों अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म 7 पर और यहाँ पर देख सकते हैं छोला भटूरा मिल रहा है 50 रुपये में प्लेट, 6 और 7 पे ही है प्लेटफॉर्म। दोस्तों अभी चलते हैं सीट पर जिससे भी ट्रेन बहुत देर खड़ी होगी, आधा घंटा कम से कम टाइम बिफोर आई है। तो दोस्तों ऑन टाइम हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट से निकल गई है, देख सकते हैं ये रहा प्लेटफॉर्म। और अभी हमने लिया है छोला पूड़ी 50 का प्लेट आया है जो, तो चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको। टेस्ट में एवरेज है और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है। इसमें आपको 2 मिर्ची भी मिल जाएगी इसके अंदर। टेस्ट में रेगुलर जैसा ही है, इतना ज़्यादा भी टेस्टी नहीं है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं लुधियाना स्टेशन पर और अभी 10 बज रहा है, ट्रेन हमारी ऑन टाइम चल रही है। ये देख सकते हैं कितने सारे बक्से रखे हुए हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इतने सारे डीजल लोगों। दोस्तों हम आ गए हैं टाइम बिफोर लुधियाना जंक्शन स्टेशन पर और मौसम देख सकते हैं यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है। तो दोस्तों लुधियाना से हमारी ट्रेन ऑन टाइम डिपार्ट कर चुकी है। जाए गरम जाए यार। आलू पट्टा क्या कर रहे तुम बेटा ट्रेन में, इसलिए आई थी।
तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पठानकोट कैंट से निकल गई है और अभी डिपार्ट कर चुकी है ट्रेन, रास्ते में ही है, पठानकोट से अभी जस्ट निकली है। तो देख सकते हैं दोस्तों पठानकोट में बारिश हो रही है और ये सामने आर्मी का कैंप है। तो अभी हम पहुंच गए बारौली जंक्शन, तो पठानकोट से आगे है। देख सकते हैं दोस्तों पठानकोट के बाद कितना खूबसूरत कर्व आया है, ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रीनरी है। बने रहिए वेज चैनल पर और वीडियो को लाइक करना ना भूले, तो नज़ारे देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। Thank you.
कठुआ स्टेशन पर जो भी ऑन टाइम पहुंची है हमारी ट्रेन, और यहाँ पे अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और देख सकते हैं पीछे पैसेंजर लोग उतर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा भी दिखता है। तो दोस्तों 3 मिनट का स्टॉप लेने के बाद हमारी ट्रेन छूट गई है कठुआ स्टेशन से। मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है बारिश वाला। देखो अभी फाइनली मैं आ गया हूँ जम्मू तवी स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन अभी ऑन टाइम पहुँची है। तो नज़ारे तो आपने देखे ही होंगे कैसे हैं। ऐसी और नज़ारे देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। ये देख सकते हैं जम्मू तवी स्टेशन। तो दोस्तों अभी हमने लिया है आलू पराठा और राजमा चावल, तो चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं। हमने वो सामने स्टॉल लगाया जम्मू तवी में, वहाँ से लिया है। ये है जम्मू तवी की राजमा चावल। तो दोस्तों मैंने लिया है ये आलू का पराठा और ये राजमा चावल, तो चलो टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। ये राजमा चावल मुझे 35 रुपीज़ में पड़ा है, और आलू पराठा 10 रुपया एक का लिया है। तो चले टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट में अच्छा है, और नमक भी सही डाला है। अरे अच्छा नहीं, बहुत, और चावल अच्छा भी बहुत अच्छा है, एकदम बासमती चावल जैसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी जम्मू तवी से डिपार्ट कर चुकी है हमारी ट्रेन, और मैं अभी खाना खा रहा था इसके लिए मैं डिपार्टिंग नहीं दिखा पाया आपको। और आप देख सकते हैं जम्मू का व्यू। देख सकते हैं दोस्तों गुफा आई है, टनल। और देख सकते हैं आधी ट्रेन हमारी खाली हो गई है। ये मेरी बर्थ है साइड लोअर जो खाली हो गई है। खूबसूरत नज़ारा है जम्मू का।
ऐड हो गए। नहीं वो वाला पुल नहीं है, दूसरा है।
तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और हम अभी पहुंच गए हैं शहीद कप्तान तुषार महाजन, जिसको उधमपुर से जानते हैं हम। तो अभी उधमपुर आ गए हैं ऑन टाइम। और ये देख सकते हैं ब्रांड न्यू कोचेस डले हुए हैं ट्रैक पर, थर्ड एसी के हैं ये कोचेस। और देख सकते हैं पीछे माउंटेन है, बहुत ब्यूटीफुल वाला। जो भी उधमपुर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सामने डेमू ट्रेन खड़ी है, डीजल मल्टीपल यूनिट। दोस्तों अभी हम MCTM से डिपार्ट कर चुके हैं और हमारी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। देख सकते हैं माउंटेन का व्यू MCTM से, जो पहले उधमपुर को जाना जाता था उधमपुर नाम से। और देख सकते हैं उधमपुर से कितना एकदम ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर जिंदगी में यहाँ पे आना। एक बार क्या, और भी बार आप आ सकते हैं। देख सकते हैं माउंटेन ही माउंटेन है, इस तरफ भी माउंटेन है। तो बस MCTM से कटरा कुछ 25-26 किलोमीटर दूर है, उससे आसपास ही गए हैं कहीं। हम अभी 5:30 बजे हम पहुंच जाएंगे कटरा।
मजा नहीं आएगा। ज़ूम करता ना बे? हाँ करता हूँ। मेरी वीडियो में नहीं लिया ज़ूम? देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अधिकुआरी दिख रहा है जो माता जी के मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है। अधिकुआरी देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू है वो देख सकते हैं आप। देख सकते हैं वहाँ से ऐसे चढ़ते चढ़ते जाना है, चल के चल के एक वहाँ से भी। फटाफट मेरा ले, रुक रुक रुक। तो फाइनली कटरा हम पहुँचने ही वाले हैं और प्लेटफॉर्म भी हमारी ट्रेन जा रही है। और देख सकते हो वहाँ पे मंदिर भी दिख रहा है आपको, मैं दिखा उस पहाड़ के पीछे जो माता का भवन है उस तरफ जाना है हमको आज। देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम है, अभी बारिश भी नहीं हो रही, भले यहाँ पे बारिश होती है पर अभी नहीं हो रही है। और ये देख सकते हैं पहाड़ जहाँ पे चढ़ने वाले हैं हम, वो अधिकवारी दिख रहा है। देख सकते हैं पूरा ट्रैकिंग करके जाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, देखो तोड़ के नया बना रहे हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म इस तरफ आया है। अरे भाई कब से थे हम? देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन कितना खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं है स्टेशन पर। और ये सामने खड़ी है न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सामने खड़ी है। और 5:34 हुआ है टाइम, 5:34 से 5:30 हम आ गए हैं कटरा स्टेशन पर। तो चलिए अभी उतरते हैं ट्रेन खड़ी होने के बाद। दोस्तों फाइनली मैं उतर गया हूँ कटरा स्टेशन पर और ऑन टाइम पहुँचा हूँ कटरा में। तो अभी चलता हूँ मैं एग्जिट की तरफ।